तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? ऐसा करता तो बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। आज आपके लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ द जीनियस बेबी की एपिसोड नंबर 46 एंड 47। तो ज़्यादा कैसे बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था आर्थर जो है उसके सीआई आर्थर को कैसे बचाया था, उसका कहानी बता रहा होता है। और आर्थर तब सीआई से पूछता है, क्या तुम्हें ये बात याद नहीं है? तभी जो है सीआई बोलते हैं नहीं। तो आर्थर ये सुन उसके बाद जो है ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अभी हम लोग देखते हैं आर्थर का शक्ल दिखाया जाता है जो एकदम से हैरान परेशान होकर वहाँ पे चुप से खड़ा है। उसके बाद जो है आर्थर बहुत रोते हुए और चिल्लाते हुए सीआई को बोलता है, तुम ऐसे कैसे भूल सकते हो इतने यूनिक एक्सपीरियंस को? क्या तुम ऐसे से मना ही कर दोगे कि तुम इसके बारे में भूल गए इतनी जल्दी? और ऐसे मना नहीं कर सकते तुम। और आर्थर की ऐसे हरकतें देख के जो है सीआई थोड़ा सा मन में बोलता है कि अरे यार शैतान कहीं के, मैंने कब कहा मेरे को कुछ भी याद नहीं है। तभी आर्थर जो है ऊपर रुक जाता है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, मेरे को पता है कि तुम जो है एक्टिंग कर रहे हो और तुम्हें पर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। उस समय मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे धोखा दिया और मेरे परिवार के सदस्यों ने जो है तोड़फोड़ की और मेरे पास जो कुछ भी था वो मैंने खो दिया। और मैंने तब तो सोचा था कि मैंने सुसाइड कर लूँ। अगर तुम वहाँ पे नहीं होते तो मैं ये तो कल्पना ही नहीं कर सकता कि मैं शायद से उस जगह पे ही जो है एक कॉर्नर में जो है मैं मर जाता। और एक है तो ये आर्थर जो है सीआई के एकदम पास चला आता है और सीआई के ऊपर हाथ ही रखने वाला होता है। तभी सीआई जो है उसको डॉस कर लेता है और फिर जो है आर्थर बोलता है, उसके बाद जो है मैं बहुत सारे लोगों को जो है पूछने लगा कि जो है मेरे घर पे किसने अटैक किया था और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करने लगा। पर हर बार मैं जो है इसको जो है मेरे को हटा दिया जाता था, इसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन से नहीं दी मिल रहा था मेरे को। और बहुत बार ऐसा हुआ। पर उसी समय जो है मैं अपने टीचर से मिला जो तुम्हारे पापा भी है शी डुआन, और वो जाके जो है मेरे पास आए और वो जो है वो ये बोले कि उसने जो है ये नोटिस किया है कि सीआई जो है मेरे को हेल्प किया है। और उसके बाद जो है मैंने मेरे पास जो कुछ भी था, जो कुछ भी मैंने खो दिया था और मेरे पास से छीन लिया गया था, मैं जो है सब कुछ वापस लेने में कामयाब हो पाया क्योंकि मेरे टीचर जो है या फिर आपके पिताजी जो है वो मेरे को हेल्प किए थे। तभी जो है आर्थर जाके जल्दी से जाके सीआई के हाथों को पकड़ लेता है और वो बड़े एक्साइटिंग में बोलता है कि तो मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे से रिलेट करता है, तो मैं जो है मेरे सारे चीज़ जो है तो तुम्हारे साथ जो है शेयर करना चाहता हूँ। तभी सीआई जो है उसके आर्थर के हाथों को झटके से मतलब छुरा के बोलता है कि तो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तभी आर्थर बोलते हैं, ऑफ कोर्स, तुम्हें यह पता नहीं है, जब मैंने मेरे टीचर से यह सुना कि तुम एक सिंगल मदर हो तभी जो है मैंने इमीडिएटली तुम्हारे मैरिज के लिए जो है रिक्वेस्ट कर दिया था। अगर यह मेरे फैमिली मैटर के वजह से मेरे को पीछे नहीं हटना पड़ता मेरे एक्शन से और इसके बारे में एक्शन नहीं लेना होता तो मैं जो है तुमसे बहुत पहले ही जो है शादी कर चुका होता। पर ये अच्छा ठीक है, इसके बारे में कुछ बात नहीं करते, पर जब तक तुम उसे डिवोर्स कर दोगे मैं जो है तुमको दुनिया के सारे चीज़ जो है वो ला के तुमको दे दूँगा। और वो जल्दी से जो है पास में फूलों का गुलदस्ता जो आर्थर ने लाया था उसमें से एक फूल जो है उठा लेता है और फिर वो जो है सीआई को एकदम किसिंग पोजीशन में लाता है और वो उसके कानों के पास जाके बोलता है, तो तुमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे इस छोटे से दुकान से कंपेयर से मेरा रोज़ गार्डन जो है वो तुमको ज़्यादा शूट करता है। और तभी जो है सीआई आर्थर को धक्के देके पीछे कर देता है और बोलता है, तुम ये सपने में ही देखते रहो, मैं कभी भी जो है डिवोर्स नहीं करने वाला। तभी सीआई और भी कहता है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ और मैं जो है किसी को जो है अकेले ही छोड़ के नहीं जाते, अगर मैं कुछ चाहता हूँ तो मैं जो है इसके लिए पूरा प्रयास करता हूँ और हर जब तक नहीं मिलता तब तक करता ही जाता हूँ और मैं जो है मेरे रूल पे हमेशा ही कायम रहता हूँ। तभी आर्थर जो है वो ताली बजाते हुए बोलता है,
आई लाइक इट, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और तुम्हारे बारे में यही तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और आर्थर फिर से जाके शियाई को एकदम से किसी पोजीशन में फिर सुला लेता है और बोलता है, शियाई मैं तुमको फोर्स नहीं करने वाला, मैं जो है तुमको ऐसा कुछ करने वाला हूँ मैं जिसके वजह से तुम जो है मेरे पास खुद ही चले आओगे। और तभी जो है हम लोग देखते हैं यानू जो है वो गुस्से में उस मतलब जो शॉप था शियाई की शॉप के दरवाजे को ज़ोर से खोलता है और चिल्ला के बोलता है, इच्छाधारी सोच की अभी भी सीमा है। और वो जो है आर्थर से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये करने दूंगा तुमको। तभी जब शियाई यानू को देखता है वो दौड़ के और खुश हो के चिल्लाते हुए आर्थर के पास से यानू के पास चला जाता है और बोलता है, अरे यानू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तैनूरी कहाँ पे, मतलब बेबी कहाँ पे, बेबी तुम्हारे साथ नहीं आया क्या। तभी जो है यानू शियाई को वहाँ पर रोकते हुए बोलता है, बेबी जो है वो मेरे ग्रैंडपा की तरह जो है वो ले जा चुका है, मतलब किडनैप कर लिया गया है, और उसने ये मुझे ये खत लिख के बताया है कि अगर बेबी को सही सलामत तुम्हारे साथ वापस लेना चाहता हूँ तो तुमको जो है लेके इस एड्रेस पे जाना पड़ेगा। और शिया ये सुन के जो है उसका पूरा हालत ख़राब हो चुका है, मतलब बम ब्लास्ट से बचा हुआ है ऐसा लग रहा है। और उसको याद आता है कि यानू के मम्मी जो है उसे बताया थी कि और मेरी फैमिली में जो है सारे के सारे एक ही तरह के बंदे हैं, पर जो ग्रैंडपा है वो जो है अभी तक नॉटी हरकतें करते रहते हैं, अगर आज भी जो है वो बुरा हो चुका है फिर भी। तभी जो है वहाँ पे आता रहता है और वो बोलता है कि देख के ऐसा लग रहा है तुम लोगों के पास जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम वगैरह है मेरे इस काम से पहले निपटाने के लिए, तो मैं यहाँ से जाता हूँ अभी। तभी आर्थर जो है वहाँ से जाते हुए पीछे से जो है वो यानो को बोलता है कि मैं जो है शियाई को अभी तुम्हारे केयर पे छोड़ के जा रहा हूँ और मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब शियाई जो है अपने माइंड को जो है चेंज नहीं कर लेती। पर जो सच है वो बाद में या फिर पहले तो आ ही जाएगा, तो मैं जो है अभी जाता हूँ तो तुमसे फिर मुलाकात होगी। और आर्थर के वैसे चले जाने के बाद यानू जो है गुस्से में जल्दी से शियाई के पास आता है और वो बोलता है कि क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है। तभी शियाई कहता है, अरे नहीं 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 तुम पहले शांत हो जाओ। तभी जो है शियाई यानू को चिराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं किया, पर वो जो है मेरे को बड़े से फूलों का गुलदस्ता दिया है जो देखने में अच्छा खासा लग रहा है, और अभी सोच के ऐसा लग रहा है कि वो जो है हैंडसम भी है और उसके पास पावर भी है, अनलाइक समवन जिसके पास कुछ भी नहीं है। तुम वो फिस लास्ट में क्या बोला मेरे को सुनाई नहीं दिया। और ये बोल के जो है हम लोग देखते हैं यानो बहुत ज़रा जल रहा होता है और जल भूल के कोयला हो रहा होता है। और तभी जो है शिया ही जल्दी से जाके यानो के गाल पे एक किस दे देता है। तभी जो है शियाई हंसते हुए बोलता है, मैं सब जोक कर रही थी तुम्हारे से मजाक वगैरह कर रही थी, तुम इतना जल्दी और इतने जेलस कैसे हो सकते हो। और इसी के साथ जो है हमारी ये दो एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो भाई लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर से कर देना। नहीं कर रहे तो भाई घर में आ जाऊँगा और यहाँ पे जाके आर्थर को भेज दूंगा, ठीक है ना, तुम्हारा गर्लफ्रेंड चुला के ले जाएगा। तो भाई प्लीज़ कर देना भाई, करने का क्या चाहता है, कर देना भाई, तो कर दिया तो ठीक है। तो बाय बाय, टाटा एंड सी यू लेटर, पीस आउट।